सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस विधायक चरण कुमार द्वारा दी गई साधु संतों पर टिप्पणी को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि विधायक चरण कुमार ने बुधवार को बाबाओं को लेकर सदन में बयान दिया था। इसके बाद गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अलवर विधायक बाबा बालकनाथ ने चरण कुमार से माफी मांगने को कहा। वहीं टिप्पणी को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने श्रवण कुमार की टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दिया। राजस्थान विधानसभा में श्रवण कुमार के बाबाओं वाले बयान को लेकर बीजेपी विधायक महंत बालकनाथ और कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बीच नोकझोंक हो गई। श्रवण कुमार जब अनुदान मांगों पर बोल रहे थे तब महंत बालकनाथ ने कहा कि आप अपने बयान पर स्थिति स्पष्ट कीजिए, अन्यथा बोलने नहीं देंगे। इतने वरिष्ठ हम सहन नहीं करेंगे। पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आपको आपत्ति है तो आप शब्दों को हटा दें। मैं कांग्रेस के एक नेता से पूछना चाहता हूँ कि आपको आपत्ति नहीं उन शब्दों से? इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। इन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि पूरे भारत वर्ष के बट्टा बिटाने वाले ये साधु संत है, ये बाबा है। नहीं बोला तो इनके रिकॉर्ड को चेक कर लीजिएगा। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं बोला? और क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? क्या कांग्रेस भी ऐसा मानती है? यहाँ के बोले थे, मुझे दिखाया गया है, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। महंत बालकनाथ ने कहा कि आपकी विधानसभा से लेकर घर तक पूरे संत समाज को इकट्ठा करना मेरा काम है, मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप क्या मानते हैं? हमने जो बात रखी कि हमें इनके श्रीमुख से सुनना कि ये क्या मानते हैं, जो कल इन्होंने शब्द बोले ये उन्हीं पर अटल है और ये यही मानते हैं कि सनातन धर्म साधु संतों ने इस देश का भट्टा भटाया है। ये अपनी श्री अपने श्रीमुख से स्पष्ट करे तब बोलने देंगे। स्पष्ट करे तब बोलने देंगे, नहीं तो आप देख लेना आपकी विधानसभा से लेके आपके घर तक पूरे देश भर का साधु संत समाज इकट्ठा करना मेरा काम है। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका निवेदन करता हूँ, आप स्पष्टीकरण दे, स्पष्टीकरण दे कि आप क्या मानते हैं। सदन में चैलेंज कर रहे हैं, ऑर्डर में लाए, स्पष्टीकरण दे आप क्या मानते हैं। यह आसन की जिम्मेदारी आप हाउस ऑर्डर में ले आए। आप इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि ये कह रहे हैं कि जीने नहीं दूंगा, तो बता दूं मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूं, मरना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। इस तरह दादागिरी से दबने वाला नहीं हूं, मैं अध्यक्ष की व्यवस्था मानता हूं। जीने नहीं दूंगा, मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं सुनो, जीने की बात नहीं है, मरना पसंद करते, झुकना पसंद नहीं करते, ये कोई तरीका है क्या? आप सरकारता है, बोलिए मान्य सुरेश। हां तो बोले, बोलने नहीं दे रहे, आपकी व्यवस्था नहीं है। आप और अनर्गल बातें मत कीजिए, आप सिर्फ सरकारता है, बात कीजिए और आप बिराजिए। आप बोलते रहिए, आपका अंकित हो रहा है, समय भी व्यतीत हो रहा है। आप बोलिए ना, उनका अंकित थोड़ी हो रहा है, ये क्या तरीका? अरे आप अपनी बात कहिए, मैं तो मेरी कर रहा हूं ना। बोलिए आप, तो उनका अंकित नहीं हो रहा। हाउस को हाउस क्वार्टर में लीजिए। अरे सब होल्ड में, आप अंकित नहीं हो रहा उनका। आप बोलिए, माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 और मांग संख्या 20 पर सहकारिता एवं खाद्य सामग्री पे बोलना चाह रहा हूँ। प्लीज अपनी व्यवस्था दे दी। सहकारिता का मतलब है आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है, एक सब के लिए आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। ये आसन की व्यवस्था थी साहब, ये सदन का आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है, ये सदन फैसला हो चुका है, आप अपने स्थान से विराजमान हो, फैसला हो चुका है और सदन की कार्रवाई नियमों के अनुसार चलने दे, परंपराओं से चलने दे। कल वाले विषय की बात को, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था जी देखे गए हैं। लिखावट है, बोल दे, सहकारिता विभाग का नारा है एक सब के लिए, सब एक के लिए। सहकारिता की स्थापना
अब राजीव 1957 में हुई थी। अब राजीव मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात नहीं नहीं यही बात कर रहे हैं आप राजीव, तो आप अपने स्थान पे राजीव मैं बात कर रहा हूँ। कौन जला देगा? बात कर रहा हूँ। क्यों जलाओगे? किसका? सदस्य। मैं सदन की बात मान रहा हूँ, सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा मान रहा हूँ ना। अरे माननीय सदस्य मेरी बात सुनिए, अगर किसी को ठेस पहुँची है और आप सम्मान करते हैं तो आप कह दीजिए, और वैसे आसन व्यवस्था दे दिए आप राजी। इस तरह से मेरा महोदय वास्तविक स्थिति है कि आज सरकार विभाग के द्वारा इस सदन को हमें सबको मिलकर चलाना है, संसद की जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर बात करें तो इन योजनाओं का लाभान्वित जरूरतमंद व्यक्ति का ना होकर समर्थ व्यक्ति को मिल रहा है। व्यवस्था है आज आप देखिए महोदय, आज आपसे बात करें श्री शेखर देव कुल में 41,556 सोसाइटियां व्यवस्था हो चुकी है, उसके सक्रिय 24,924 है। माननीय अध्यक्ष जी 14,000 महोदय 90 निष्क्रिय है। माननीय सदस्य आप राजे बात करें तो आसन्य बातें विलोपित हो चुकी है, अब आप कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करें और अपने स्थान पर बैठ जाए शांति से। महोदय इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की बाबाओं पर टिप्पणी को लेकर स्पीकर की व्यवस्था के बावजूद फिर हंगामा हो गया। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जब श्रवण कुमार बोलने लगे तो महंत बालकनाथ ने खड़े होकर कहा कि ये जब तक माफी नहीं मांगते तब तक बोलने नहीं देंगे। ये बताए कल जो बोला था कि साधु संतों ने देश का भट्टा बैठाया है, इस पर स्थिति स्पष्ट करे, ये उस पर कायम है या इन्हें खेद है, इस पर स्थिति साफ करे। बोल तो दिया और क्या बोलूं? बात बोल तो दिया ना माने। अरे मंशा साधु के प्रति बड़ी पवित्र भावना है, कहां जेरे में हो, साधु साधु जो जेल में पड़े उनके लिए दुर्भावना है। आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप ये बताओ तो बाधित क्यों किया जा रहा है इनको? बोल बैठो सही बात, सुनोगे कैसे? बैठोगे तो सुनोगे कैसे, खड़े खड़े सुनोगे? माने ये भी समझे हैं कि किसी भी माननीय सदस्य को बोलना है तो अपने आसन पे जाके बात करें, अपनी सीट पे गए बिना आप जहां मर्जी है वहां खड़े होकर बोल रहे हो। आपने आज्ञा दी है बोलने दे, उन्हें बाधित क्यों कर रहे हैं आप? सिकंदर तो तुम सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हो तुम सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं दरिया हजारों समुद्र में पर कभी कोई समुद्र दरिया में नहीं मिलता। आप दरिया हो, आप दरिया हो, नदियों मत मिलो, आप दरिया ही रहो। आगे मैं हालात को तो शांति मिली गई होगी ना, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे पर कोई नाराज नहीं हो। आप सरकार पे अपनी बात रखे माननीय सदस्य। इस पर सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं, इसके बाद बीजेपी विधायक बालकनाथ प्रतापपुरी और बाल मुकुंदाचार्य वेल में आ गए। हंगामा भरता देख सभापति ने 3:36 तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। 3:36 पर सदन फिर शुरू हुआ तो तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। जब माननीय अध्यक्ष यहाँ से अपनी व्यवस्था देखे गए उसके बाद कोई चुनौती नहीं होगी। सरकारिता है उसके डेट पे हमें राजस्थान और सभी माननीय सदस्य सुन ले, राजस्थान में सरकारिता निष्क्रिय होती जा रही है, हमारे निकटवर्ती प्रदेश गुजरात का सम्मान हमें सभी को करना है। आप देखिए गुजरात में सहकारिता के द्वारा फैक्ट्रिया चलाई जा रही है, बड़े बड़े उपकरण चलाए जा रहे हैं और हजारों लाखों आदमी गुजरात में काम करते हैं।
आप कौन है? चलो के सदन सदन आप मत पूछो, ये आसन पूछता है, ये आसन बोलता है या कोई है व्यक्तिगत? मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, ये आसन बोलता हूँ, मानता हूँ मैं आप मत पूछो ये बातें, आसन पूछेगा आसन छोड़ो माने होता है, ये तो कार्रवाई करते मानते हैं मिनट के लिए आसन व्यक्ति जाती है। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की कल विधानसभा में बाबाओं पर टिप्पणी पर सदन में हंगामा हो गया। चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग ने श्रवण कुमार के बयान पर आपत्ति जताते हुए माफी मांगने का मुद्दा उठाया। नहीं, हम इस बात को समाप्त नहीं करने वाले, इनको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने में क्या तकलीफ है? आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवाई है? साधु संत को गाली दे रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं हमको? और बाद में बोलते सर कटा देंगे बाबाओं के लिए, बाबाओं के लिए आप स्पष्ट रूप से करो, सदन में कहने पड़ेगा कि मैं क्या पूरे सनातन धर्म से पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। जो वक्त वक्त माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा माफी मांगो। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, आपको माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज के नाम पे टिप्पणी करी है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, इसके लिए टिप्पणी नहीं की थी, मांगनी पड़ी हिंदू समाज के लिए। अगर किसी ने अपमानित किया तो माफी मांगनी पड़ेगी, माफी साधु संतों का अपमान नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। हम हर शब्द नहीं हटवाना चाहते। एसपी क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान करेंगे। हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, आपने वही। इसका संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी समर्थन करते हुए कहा कि बयान घोर आपत्तिजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने जो विषय उठाया वो बहुत ही गंभीर है और उसको लाइटली लेने का विषय नहीं है। अगर उसके बावजूद भी माननीय सदस्य ये कहे कि मैंने क्या खा, तो उससे भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उत्तेजना से कोई कहा गया उसे अलग होता है, लेकिन अभी तक माननीय सदस्य इस बात पर कायम है कि मैंने क्या कह दिया। एक भारतीय संस्कृति के संबंध में, संतों और बाबाओं के संबंध में ऐसी गलत अमर्यादित टिप्पणी करना इस विधानसभा के पटल पर कभी भी शोभा नहीं देता है। और मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया लेकिन सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है। इससे स्पष्ट है कि उसको बिना माफी मांगे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके बावजूद भी रहता है तो उसको निलंबित करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर माननीय सदस्य ये नहीं मानता है जैसा आपने कहा वो तो ठीक है, आपने ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन आपका सदस्य आज भी अपनी बात पर कायम है तो निलंबन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर बीजेपी विधायक महंत बालकनाथ ने कहा कि इस बयान से पूरे संत समाज आहत हुआ है, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे गाली दी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे संत समाज और सनातन संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुझे निजी रूप से माननीय विधायक जी मेरी बात सुनिए, माननीय कांग्रेस के सभी सदस्य मेरी बात सुनिए, मुझे निजी रूप से कुछ कहना है। वो भी आप ले आना, मैं दिन रात कहो, आप सुबह शाम कहो, 24 घंटे कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अकेला ही आपसे निपट लूंगा। मुझे निजी रूप से कहना, मेरा नाम लेकर मुझे जितनी गालियां देनी देना, लेकिन मेरे धर्म को, मेरी परंपरा को आपने जो अपमानित किया है वो एक क्षण भी आपको हम सहेंगे नहीं। आपने हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को अपमानित किया है, पूरे संत समाज को अपमानित किया है। आज कांग्रेस के लोग, हम ये नहीं, मैं शब्दों को हटवाना नहीं चाहता, ये देश याद रखेगा कि विभाजन के लिए कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये देश याद रखेगा कि बैठिए अब बैठिए।
कांग्रेस विधायक सरवण कुमार ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। इसके बाद बीजेपी के कई विधायक भी जोर जोर से बोलने लगे। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सरवण कुमार के बाबाओं से संबंधित बयान को सदन की कार्रवाई से निकालने के आदेश दिया। स्पीकर ने सरवण कुमार को आगे से सदन में किसी को आहत करने वाला कमेंट नहीं करने को कहा। ये शब्द यहाँ से एक्सपंज किए जाएं और माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह के शब्दों का उपयोग न करें। कोई भी सदस्य साधु संतों या जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी वह न करे, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ें।